आज हम मणिपुर चक्र को योग निद्रा द्वारा एक्टिवेट करने की कोशिश करने जा रहे हैं। मणिपुर चक्र योग और साधना के 7 चक्रों में से तीसरा चक्र है। पहले चक्र मूलाधार चक्र एवं दूसरे चक्र स्वाधिष्ठान चक्र को एक्टिवेट करने का वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जमीन पर पीठ के बल लेट जाएं, पैर दूर दूर, एड़ी अंदर, पंजे बाहर, दोनों हाथ जमीन पर, हथेली का रुख आसमान की ओर, उंगलियां हल्की सी मुड़ी हुई, आंखें बंद, पूरा शरीर शांत एवं शिथिल, पूरा शरीर शांत एवं शिथिल, पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। लंबी गहरी श्वास, धीरे धीरे प्रश्वास, लंबी गहरी श्वास, धीरे धीरे प्रश्वास। शरीर में किसी भी तरह की हलचल नहीं होनी चाहिए। शरीर में किसी भी तरह की हलचल नहीं होनी चाहिए। पूरा शरीर एक शव के समान जमीन पर पड़ा हुआ होना चाहिए। पूरा शरीर शव के समान जमीन पर पड़ा हुआ होना चाहिए। श्वास को आते हुए एवं श्वास को शरीर से बाहर जाते हुए मन की आंखों से देखने की कोशिश करना है। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। श्वास द्वारा पॉजिटिव एनर्जी को शरीर में प्रवेश करवाना है। श्वास द्वारा शुद्ध वायु को शरीर में प्रवेश करवाना है। श्वास द्वारा वातावरण की ताजगी को शरीर में प्रवेश करवाना है। पूरा शरीर शांत एवं शिथिल, पूरा शरीर शांत एवं शिथिल। मन की आंखों से देखते हुए
प्रश्वास द्वारा शरीर की थकान को शरीर से बाहर निकालना है। प्रश्वास द्वारा शरीर के रोगों को शरीर से बाहर निकालना है। प्रश्वास द्वारा शरीर के अवगुणों को शरीर से बाहर निकालना है। श्वास प्रश्वास की इस प्रक्रिया द्वारा पूरा शरीर दोषों से मुक्त हो चुका है। पूरा शरीर दोषों से मुक्त हो चुका है। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। अब हम लंबी गहरी श्वास द्वारा मन ही मन ओमकार का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी श्वास ओ पूरा ध्यान ओमकार के उच्चारण द्वारा शरीर में हो रहे बदलाव पर। पूरा शरीर शांत एवं शिथिल। पूरा शरीर शांत एवं शिथिल। ओमकार के नाद के द्वारा शरीर में जो वाइब्रेशंस उत्पन्न हुए हैं, उस वाइब्रेशंस को महसूस करने की कोशिश करना है। ओमकार के नाद के द्वारा शरीर में जो अद्भुत बदलाव आ रहा है, उसे महसूस करने की कोशिश करना है। ओमकार के नाद के द्वारा शरीर में उत्पन्न वाइब्रेशंस की पॉजिटिव वाइब्स को महसूस करने की कोशिश करना है। लंबी गहरी श्वास, धीरे धीरे प्रश्वास। लंबी गहरी श्वास, धीरे धीरे प्रश्वास। अब हम मन की आंखों को मणिपुर चक्र पर लेकर जाएंगे।
मणिपुर चक्र यानी नाभि के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी पर अपनी मन की आंखों को लेकर जाएंगे। इस चक्र पर ध्यान लगाने से हमारे शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा का संचरण हो रहा है। पूरा ध्यान मणिपुर चक्र पर केंद्रित करते हुए महसूस करें एक अद्भुत परिवर्तन को। महसूस करें ऊर्जा को जो हमारे शरीर को तेजस्वी बना रही है। पूरा ध्यान मणिपुर चक्र पर। अब हम मणिपुर चक्र पर 10 पंखुड़ियों वाला पुष्प देखने की कोशिश करेंगे। पूरा ध्यान मणिपुर चक्र पर स्थित 10 पंखुड़ियों वाले पुष्प पर। पूरा शरीर शांत एवं शिथिल। पूरा शरीर शांत एवं शिथिल। उस पुष्प से जो पीले रंग का प्रकाश आ रहा है उसे देखने की कोशिश करेंगे। पूरा ध्यान मणिपुर चक्र पर स्थित 10 पंखुड़ियों वाले पुष्प से निकलते हुए पीले रंग के प्रकाश पर। उस प्रकाश से शरीर का रोम रोम ऊर्जावान हो रहा है। उस प्रकाश से शरीर का रोम रोम प्रकाशवान हो रहा है। उस प्रकाश से शरीर का रोम रोम स्फूर्ति से परिपूर्ण हो रहा है। लंबी गहरी श्वास, धीरे धीरे प्रश्वास। लंबी गहरी श्वास, धीरे धीरे प्रश्वास। अब हमारा पूरा ध्यान पुष्प की पहली पंखुड़ी पर लिखे शब्द ड पर लगाना है। पूरा ध्यान पुष्प की पहली पंखुड़ी पर लिखे ड शब्द पर।
अब हमारा पूरा ध्यान उस पुष्प, उस फूल की दूसरी पंखुड़ी पर लिखे हुए शब्द द पर। पूरा ध्यान दूसरी पंखुड़ी पर। हमारा ध्यान तीसरी पंखुड़ी की ओर ले जाते हुए उस पर लिखे शब्द ण पर केंद्रित करेंगे। पूरा ध्यान तीसरी पंखुड़ी पर। अब चौथी पंखुड़ी पर ध्यान केंद्रित करते हुए उस पंखुड़ी पर लिखे त शब्द को देखने की कोशिश करेंगे। अब हम पांचवी पंखुड़ी को देखने की कोशिश करेंगे। पांचवी पंखुड़ी पर लिखे थ शब्द पर पूरा ध्यान। अब हम छठी पंखुड़ी पर लिखे शब्द ध पर पूरा ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करेंगे। सातवीं पंखुड़ी की ओर बढ़ते हुए पूरा ध्यान उस पंखुड़ी पर लिखे शब्द ध पर। आठवीं पंखुड़ी पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करेंगे। पूरा ध्यान आठवीं पंखुड़ी पर लिखे न शब्द पर। अब हम नवी पंखुड़ी पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए शब्द प पर ध्यान लगाएंगे। उस पुष्प, उस फूल की दसवीं एवं आखिरी पंखुड़ी पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए शब्द क पर ध्यान लगाएंगे। पूरा ध्यान दसवीं पंखुड़ी पर लिखे शब्द क पर। लंबी गहरी श्वास, धीरे धीरे प्रश्वास। लंबी गहरी श्वास, धीरे धीरे प्रश्वास। पूरा ध्यान मणिपुर चक्र पर स्थित 10 पंखुड़ियों वाले पुष्प पर। अब हम मणिपुर चक्र पर ध्यान केंद्रित
करते हुए मन ही मन रम मंत्र का उच्चारण करेंगे। पूरा ध्यान मणिपुर चक्र पर। लंबी गहरी श्वास के साथ मन ही मन रम मंत्र का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी श्वास। रम 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 मंत्र के उच्चारण से शरीर में आत्मविश्वास का संचरण हो रहा है। इस मंत्र के उच्चारण द्वारा शरीर में निर्णय लेने की शक्ति बढ़ रही है। रम मंत्र के उच्चारण से बुद्धि एवं ज्ञान का संचार हो रहा है। लंबी गहरी श्वास। धीरे धीरे प्रश्वास। लंबी गहरी श्वास। धीरे धीरे प्रश्वास। अब हमें मन ही मन कहना है, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। मेरा शरीर आत्मविश्वास से परिपूर्ण है। मेरा शरीर आत्मविश्वास से परिपूर्ण है। मेरा शरीर आत्मविश्वास से परिपूर्ण है। मैं रोगों से मुक्त हूँ। मैं रोगों से मुक्त हूँ। मैं रोगों से मुक्त हूँ। इसी के साथ अब हम योग निद्रा को समाप्त करने जा रहे हैं। लंबी गहरी श्वास के साथ ईश्वर को धन्यवाद करें इस सुंदर जीवन के लिए, इस सुंदर शरीर के लिए। और धीरे धीरे हाथों पैरों की उंगलियों में हलचल करेंगे। आंखें बंद रहेगी। करवट लेके उठेंगे।
सुखासन या वज्रासन में बैठेंगे। हाथों को आपस में रगड़ेंगे, आंखों पर रखेंगे, हाथों की गर्माहट को आंखों पर महसूस करेंगे। हाथ नीचे नीचे देखते हुए धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगर आपके मन में कोई शंका या सवाल है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल योगा एट होम, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।